फ्रेंड्स, आपको नेगेटिव के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको डिड का यूज करना सीखना है। आप सीधा बोलिए आई डिड नॉट, ठीक, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, शी डिड नॉट, ही डिड नॉट। और सिंपल से अगर बोलना है, सिंपल से वे में, आई डिडंट, शी डिडंट, ही डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट, दे डिडंट। इट मींस कि आपको जुबान पे डिड का। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे इज द डे 13। And friends, as you know, in our last video, we learned and practiced about present indefinite tense. So now it's turn to learn about past indefinite tense. So as I told you about in present indefinite tense, we talk about our daily routine, okay, what we do in a day and what are the general truth. We use present indefinite to demonstrate only what we do in a day, okay. And now it's turn to learn about past indefinite tense. Past indefinite tense क्या होता है, जिसको हम past indefinite या फिर हम past simple tense भी कहते हैं। Past tense जहां पे last में past से याद आता है कि था, थे, थी होता है, but ऐसा हर condition में नहीं होता है। सिंपल आपको याद रखना है कि पास इंडेफिनेट वो टेंस होते हैं जहां पे आपका कोई काम कंप्लीटेड हो चुका है, कोई भी एक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि कल मैंने क्या क्या किया, कल मैंने खाना खाया, कल मैंने कपड़े धोए, कल का काम कल ही मैंने फिनिश कर लिया है, ठीक है। कल मैं बाजार गई, कल मैंने सब्जी खरीदी, फिर मैंने सब्जी बनाई, देन मैंने मीन्स बुक्स पढ़ी, मैंने अपनी प्रैक्टिस की, सारे कल के काम मैंने कल फिनिश कर दिए। इट मींस कि वो आज के ऊपर पेंडिंग नहीं है, वो सारे काम मैंने कल ही फिनिश कर लिए हैं। इट मींस कि जो भी आपका कंप्लीटेड एक्शन होगा, ठीक है। और रही बात पहचान की, तो पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने आइसक्रीम खाई, तो आप देख रहे होंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है आ, ई, ए, ठीक है, आ रहा है, ठीक, खाई, खाया, पिया, ठीक, ऐसे वर्ड्स आते हैं। या फिर हम था भी अगर आ जाए तो वो भी गलत नहीं हुआ, ठीक। जैसे मैं कहूं कि मैंने कल खाना खाया, मैंने कल केला खाया, सुनो कल मैंने जामुन खाई, तो अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते ना, मैंने कल जामुन खाई थी, मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल पनीर खाई थी, तो था भी आ सकता है, तो ये आपका गलत नहीं है अगर लास्ट में था, थे, थी आ जाए, तो ये आपका गलत नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ओनली लास्ट में आ, ई, ए ऐसे वर्ड्स आएंगे तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है और था, थे, थी भी हो सकता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज करो ये एक लड़का है, ठीक, ये एक लड़का है, ठीक, और ये है आई, ये कहता मैं आई हूं, ठीक, ये आई है, तो कि मैं अपने बारे में बता रहा है कि पहले इसने क्या किया, आई एट फूड, इसने खाना खाया, फिर इसने क्या किया, आई वेंट टू स्कूल, ये स्कूल गया, फिर इसने प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, ठीक, मैंने क्रिकेट खेला, आई वॉच मूवी, मैंने मूवी देखी, आई हेल्प माई मॉम, मैंने अपनी मॉम की हेल्प की घर के कामों में, आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया, आई प्लेड इन द पार्क, मैं पार्क में खेला, आई रॉट अ पोइम, मैंने एक पोइम लिखी, और ये ऐसे सेंटेंसेस है, देखो आई सेट द बेड, मैंने बिस्तर लगाया, और ये देखो कुछ, आई यूज टू ईट चौक वेन आई वॉज 3 or 4 years old, ठीक, हम कह सकते हैं यूज टू ईट मीन्स कि कोई काम किया करता था। हमें ऐसा नहीं कि पास्ट में उन्हें कल की हुई चीजें बतानी है, नहीं, पास्ट में हमारे कितने पास्ट में क्या हो चुका है हम सब कुछ बता सकते हैं। जैसे कि जब वो छोटा था, जब वो 3 या फिर 4 साल का था, तो चौक खाया करता था, ठीक, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, हमें रीजन बताना है। आई यूज टू प्ले खो खो, जब वह छोटा था अपने गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ खो खो खेला करता था,
आई यूज टू प्ले 5 hours इन अ डे, वह एक दिन में 5 घंटे खेला करता था, जिसकी वजह से वह फेल हो गया और पास नहीं हो पाया, उस आगे नेक्स्ट क्लास में वो नहीं जा सका। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ आ रहा हो कि इट मीन्स कि जो भी काम कंप्लीटेड हो चुका है वो अभी नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पास इंडेफिनेट टेंस। तो जैसे हमें पता चल रहा है कि पास इंडेफिनेट टेंस है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सारे टेंसेज में मीन्स कि जो पास इंडेफिनेट या फिर पास सिंपल टेंस है, यहाँ पे लगती है हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, यहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी। ठीक, कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी, कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको कितने सेकेंड वर्ब मीन्स की कितनी वर्ब के सेकेंड फॉर्म तीनों फॉर्म दे सकती हूँ, ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा है तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आप बस आप रिवाइज कर लीजिए, आपका वो चीज सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं इसके रूल्स की, इसका रूल क्या होता है। तो दोस्तों इसके रूल होते हैं सिंपल, फर्स्ट पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा देना है, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई एट फूड, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और एट हमारा ईट की सेकंड फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया फूड। और उसके बाद में जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट, आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म हमारी प्ले की प्लेड हो गई और क्या खेला उसने क्रिकेट खेला। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव का। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में हम आपने देखा होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डू डस का यूज किया था। तो दोस्तों अगर देखा जाए डू या फिर डस की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ठीक, डू की Do, did, done, ठीक, do, did, done होता है। Do की सेकेंड फॉर्म हमारी did होती है, और इसीलिए हम यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट फॉर्म में हम do not लगा, प्रेजेंट डेफिनेट में हम do not लगाते थे, तो पास सिंपल में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे did not। ओके, हम यहाँ पे लगा देंगे did not प्लस वर्ब की, अब हमने वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, और हमारा डू भी हमारा इंटरोगेटिव का है, फर्स्ट हमारा did आएगा आगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन, क्योंकि हमने यहाँ पे did लगा दिया है, तो अगेन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। और उसके साथ आप नेगेटिव वाले भी बना सकते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव, हम डिड प्लस नॉट को हम डिंट लिख सकते हैं। ठीक, बाकी सेम रूल ऐसा ही, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले हों, डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले हों, तो देखिए पहले हमारे डब्ल्यू एच वर्ड्स कोई भी वेन वेयर वाई विद हुम, ठीक, जैसे कि विद हुम ही ले लेते हैं, विद हुम, उसके बाद डिड, देन सब्जेक्ट, देन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब एक एक इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको समझ आ गई यहाँ पे हमने डिड क्यों लगाया है। डिड इसलिए लगाया है क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, तो डू का सेकंड फॉर्म हमारा डिड होता है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर डिड इंस्टेड ऑफ यूजिंग डू।
अब जैसे कि देखिए एग्जांपल है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड डबल एज वर्ड्स सब्जेक्ट प्लस अब जैसे कि हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं ठीक मैंने कल एक मोबाइल खरीदा ठीक मैंने कल एक मोबाइल खरीदा लास्ट में क्या आया आ आया इट मींस कि ये पास्ट का है और हम यहाँ पे इसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो हम यहाँ पे था भी बोल सकते हैं कि मैंने कल एक मोबाइल खरीदा था तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आई खरीदने की हम बॉट भी लिख सकते हैं या फिर परचेज भी लिख सकते हैं आई परचेज मोबाइल ठीक अब देखिए आई परचेज अ मोबाइल अब इसको हम कैसे अलग अलग तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए ठीक हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिड ही परचेज अ मोबाइल यस्टरडे क्या उसने कल एक मोबाइल खरीदा था तो हम आंसर भी दे सकते हैं यस ही परचेज अ मोबाइल यस्टरडे या फिर खुद के लिए डिड आई परचेज अ मोबाइल यस्टरडे यस आई परचेज अ मोबाइल यस्टरडे विच मोबाइल डिड आई परचेज मैंने कौन सा मोबाइल खरीदा आई परचेज मीन्स कोई भी मोबाइल आईफोन कह लो कोई भी खरीदा वीवो का कह लो कोई भी फोन है जो आपने खरीदा हो कह सकते हो तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो एक सेंटेंस से कैसे हम ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं ये हमको आना चाहिए अगर ये आपको आता है तो आपको कोई भी इंग्लिश बोलने से रोक नहीं सकता है नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वाला देख लेते हैं कि आई परचेज अ मोबाइल इसी को हम देख लेते हैं आई डिड नॉट या फिर डिंट परचेज अ मोबाइल मैंने मोबाइल नहीं खरीदा क्वेश्चन वाला होगा तो डिड आई परचेज अ मोबाइल क्या मैंने मोबाइल खरीदा डिंट आई परचेज अ मोबाइल क्या मैंने मोबाइल नहीं खरीदा मैं खरीदा है सॉरी फ्रेंड्स लाइट चली गई क्या कर सकते हैं बट आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस क्लास क्योंकि अभी थोड़ा सा ही रह गया है तो डिंट आई परचेज अ मोबाइल क्या मैंने कल एक मोबाइल नहीं खरीदा यस्टरडे हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं लास्ट हमारा डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला When did I purchase a mobile? मैंने फोन कब खरीदा ठीक Why did I purchase a mobile? मैंने फोन क्यों खरीदा ठीक Which mobile did I purchase? ठीक मैंने कौन सा मोबाइल खरीदा तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछने हैं और आंसर देना है और सबसे इसका मेन रूल यही है ठीक कि आपको क्वेश्चन आंसर पूछना आना चाहिए क्योंकि मेन क्वेश्चन आंसर में यही होता है कि अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो तो आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक क्योंकि दिक्कत होती है क्वेश्चन पूछने की जब हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं होता है वो इतना क्रिएटिव नहीं होता है वो क्वेश्चंस बना ही नहीं सकता अब क्वेश्चन बनाओ ना अब क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं मैंने आपको कई बार बता दिया है एक क्वेश्चन होता है जो हम डब्ल्यू एच वर्ड से बनाते हैं ठीक है पूछते हैं और एक होता है जो हम हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं जो हम हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं उसमें हमें यस और नो का जवाब देना होता है और बाकी जो रीजन होता है जैसे कि व्हेन डिड आई परचेज अ मोबाइल व्हाई डिड आई परचेज अ मोबाइल ठीक तो इसमें हमें रीजन बताना होता है कि व्हेन डिड आई परचेज अ मोबाइल मैंने मोबाइल कब खरीदा ठीक शाम को खरीदा दिन में खरीदा रात को खरीदा कब खरीदा
व्हाई डिड आई परचेज अ मोबाइल, मैंने मोबाइल क्यों खरीदा। अब यहाँ पे हमें रीजन देना है, बट अगर हम कोई हमसे पूछे कि डिड यू परचेज अ मोबाइल, क्या तुमने मोबाइल खरीदा, यस यस आई डिड परचेज अ मोबाइल, हाँ मैंने मोबाइल खरीदा, या फिर आई परचेज अ मोबाइल। आई डिड हम तब लगाते हैं जब वो काम हमें कहना कि हाँ मैंने खरीदा ही, श्योर है कि मैंने वो काम किया ही, तो वहां पे हम डिड लगाते हैं। ठीक, डिंट आई परचेज अ मोबाइल, डिंट यू परचेज अ मोबाइल, यू नो आई वॉज आई हर्ड दैट यू वॉन्टेड टू परचेज अ मोबाइल, डिड यू परचेज अ मोबाइल, यस आई डू, यस आई डिड परचेज अ मोबाइल, आई परचेज अ मोबाइल, आई कैन शो यू एंड प्लीज प्लीज टेल मी इज दिस गुड वन और नॉट, क्या ये अच्छा है या फिर नहीं। तो देखा दोस्तों कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बोर्ड में या साइड में मैंने कितने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं कि आई एट फूड, अब आई की जगह आप क्या लगा सकते हो, ही शी इट, बाकी हमारे पर्सन उतने ही होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक, ही शी इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक, या फिर दूसरा हमारा होता है आई वी यू दे, पर यहाँ पे इस समय पढ़ने की हमें, या फिर कोई भी प्लुरल नाउन यहाँ पे ले लेते हैं, हमें इन सब झंझट में पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन ही होना, सिंपल सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लुरल हो, या फिर हमें डिड नॉट लगाना है, मीन्स की नेगेटिव वाले में हमें डिड नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एक पर्सन है तो क्या लगाए, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में थोड़ा सा था। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस बता दूं कि आपको कैसे करनी है, थोड़ा सा तो आपने ये कर लिया, ठीक, जो मैंने बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछ के कैसे उसका जवाब देना है, आप रिटर्न में भी कर सकते हो, ठीक है, स्पीकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि इसकी आपको हैबिट कैसे डालनी है। तो सबसे प्रेजेंट जो सिंपल पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस है वहां पे आपको कोशिश करनी है सेकंड फॉर्म पहले आपको देख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आप सेकंड फॉर्म यूज करना सीखिए। जैसे कि यस्टरडे आई एट पिज्जा, एट आई एट, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द स्कूल, ठीक, मैं स्कूल गई, बाजार गई, आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गई, आई वेंट टू मॉल, मैं मॉल गई, वेंट टू का यूज करो, गो की जगह वेंट टू का यूज करो, ठीक। आई ड्रैंक, ड्रिंक होता है फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक होता है, आई ड्रैंक कॉफी, आई ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, आई ड्रैंक वॉटर, कुछ भी पिया आपने। आई वॉश्ड क्लोथ, मैंने कपड़े धोए, आई वॉश्ड बेडशीट्स, मैंने बेडशीट्स धोई, आई क्लीन्ड माई हाउस, आई क्लीन्ड माई हाउस, ठीक, हर चीज में आपको सेकंड फॉर्म यूज करना। इसी तरह फ्रेंड्स आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और आपको डिड का यूज करना सीखना है। आप सीधा बोलिए आई डिड नॉट, ठीक, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, शी डिड नॉट, ही डिड नॉट, और सिंपल से अगर बोलना है सिंपल से वे में आई डिडंट, शी डिडंट, ही डिडंट, वे डिडंट, यू डिडंट, दे डिडंट। इट मींस कि आपको जुबान पे डिड का यूज लाना है कि डिड नॉट, डिडंट आपके मुंह से निकले, जैसे ही आपको कहना हो कि अरे मैंने ये काम नहीं किया, आई डिडंट डू दिस, मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर, मैंने समोसे नहीं खाए, आई डिडंट ईट समोसास, मैंने पानी नहीं पिया, आई डिडंट ड्रिंक वॉटर, किसी और के बारे में कहना है तो डिडंट आपके मुंह से निकलना चाहिए, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं, डू डस की तरह आपको ओनली आपके मुंह से डिड ही निकलना चाहिए, ठीक। इसी तरह जब हम क्वेश्चन पूछेंगे डिड आई गो टू देयर, इसी तरह जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, डिड यू गो टू द मार्केट, डिड ही रीड न्यूज पेपर, क्या उसने न्यूज पेपर पढ़ा, डिड ही ड्रिंक कॉफी, क्या उसने कॉफी पी, आपको डिड से स्टार्ट करना है, डिड, डिड शी, डिड ही, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड राम, डिड सीता, डिड रीता, डिड मीना, डिड 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 डिड, मीन्स की डिड से शुरुआत करनी है,
Why did you go there? तुम वहां क्यों गए? When did you go there? तुम वहां कब गए? Why did you go there? ठीक, when, where, कहाँ गए? Where did you go? तुम कहाँ गए? ठीक, तो ऐसे ही आपको सीखना है क्वेश्चन पूछना और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना. और आपके मुंह पे जब तक कि डिड, आपको ऐसा करना है कि आप जब भी बोलना चाहें कि मैंने ये काम किया या फिर नहीं किया, वो आपके मुंह से निकले. आई डिंट, यू डिंट, शी डिंट, नो नो नो, शी डिंट गो टू गो देयर, नहीं नहीं वो वहां नहीं गई. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. और बस आप प्रैक्टिस करिए, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पक्का आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है वो आपको प्रैक्टिस करके ही सॉल्व होगी. आपको रीडिंग रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, आपको ओरल प्रैक्टिस भी करनी है, आपको माइंड में सोचना भी है. अंटिल यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इन योर माइंड, यू वॉन्ट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. ओके, यू कांट, इट कुड बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट फ्लुएंसी. आपको माइंड में सोचना पड़ेगा. यू आर सपोज टू चेंज योर लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग. Try to think only in English language. It doesn't matter whether you think right or wrong sentences. But the main reason is you should start thinking. And if you will start, then soon you will see a different version of yourself. And friends, now it's time to end this video and we will meet in our next video. And till then, bye-bye.